खबर के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा की दो सीटों के साथ एक विधानसभा की सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। सीट मांडलगढ़ है जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार यह सीट कांग्रेस वापस चाहेगी तो बीजेपी बचाना चाहेगी। लेकिन कैसे नामांकन की वापसी के बाद यहां के समीकरण बदल गए हैं और कौन कौन से निर्दलीय प्रत्याशी यहां दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी बन गए हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। मांडलगढ़ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जहां मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं गांव में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ अपने समर्थकों के साथ तो वहीं बीजेपी से शक्ति सिंह हाडा अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव धानी धानी पहुंचकर अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। साथ ही गाँव में उनके समर्थक उनका जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई और कहा कि किसान से लेकर मजदूर तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई बीजेपी से परेशान है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का एक भयंकर आक्रोश है, जनाक्रोश है लोगों में। जब हम जहाँ भी जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों में, लोगों ने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया है कि इस जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। युवा साथियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, 36 कौमों ने मिलके आज जिस प्रकार से विवेक जी धाकड़ को समर्थन मिल रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि हजारों वोटों से, कम से कम 30,000 वोटों से विवेक जी धाकड़ यहां से जीत के जाएंगे। और ये जीत पूरे राजस्थान के लिए एक ट्रेलर है कि इस निकम्मी सरकार के दिल लड़ने को आ गए, इसकी फिल्म खत्म होने को एक ट्रेलर जनता 29 तारीख को दिखाएगी जिसका रिजल्ट 1 तारीख को आ जाएगा। यहाँ वैसे तो मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ प्रत्याशी जो निर्दलीय मैदान में है दोनों पार्टियों के गणित को बदल सकते हैं। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्र के गांव धाणियों में निर्दलीय प्रत्याशी महावीर पंडित और राजकुमार जीनगर भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोक चुके हैं। वो भी अब अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 10 महीने के लिए जनता किसके साथ जाती है, कड़ी से कड़ी को जोड़े रखती है या फिर तोड़ कर नए संकेत दे सकती। मांडलगढ़ से प्रदीप वैष्णव की उपचुनाव में स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो मांडलगढ़ के इस चुनावी समीकरण को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश, कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार मालवीय से मिले थे, उसके बावजूद भी नामांकन वापस नहीं लिया गया, क्या माना जाए? जो लोकल लीडरशिप है वो उन्हें बैठने नहीं दे रही, या फिर उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो बगावत ही करेंगे? देखिए, गोपाल मालवीय कांग्रेस से पूर्व प्रधान रह चुके हैं और टिकट के वो स्वाभाविक दावेदार थे। हालांकि विवेक धाकड़ के चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाई और जो नेता थे वो मजबूती से पैरवी नहीं कर पाए, और विवेक धाकड़ के लिए कद्दावर नेता सीपी जोशी ने अपनी जमानत दी और उनको वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे। तो ऐसे में जो है गोपाल मालवीय को ये बात काफ़ी अकड़ी, और वहाँ के विधायक है कांग्रेस के झाजपुर से धीरज गुजर, उनके वो काफ़ी करीबी है, तो वो उनको लेकर कल दिल्ली गए थे, लेकिन आखिरकार वो नहीं माने और उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। तो ऐसे में भाजपा का दावा किया है कि कांग्रेस से जो बगावत हुई है इसका खामियाजा यहाँ कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की दलील है कि गोपाल मालवीय जिस कास्ट या जाति से आते हैं वो भाजपा के परंपरागत वोट है, तो ऐसे में वो नुकसान हमें कांग्रेस को पहुँचाने के बजाय भाजपा को पहुँचाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस से एक कोई उन्हीं का नेता अगर बगावत करके नॉमिनेशन दाखिल करता और वापस नहीं उठाता तो एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रेशर कांग्रेस पर बढ़ गया, एक गुटबाजी कह सकते हैं खुलकर सामने आ चुकी है, और कितना नुकसान वो पहुंचाते कांग्रेस को या फिर भाजपा को ये तो नतीजे बता देंगे, लेकिन कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है अगर गोपाल मालवीय नामांकन वापस उन्होंने नहीं उठाया। जी, तो ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है मालवीय, तो वोटों के हिसाब से किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है? वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार है या जो सियासत के जानकार है उनका दावा है कि 4,000 से 5,000 वोट महज गोपाल मालवीय को मिलने का अंदेशा जता रहे हैं, और उनमें से 3,000 वोट कह सकते हैं कि वो भाजपा में ही सेंध लगाएंगे। तो जो उम्मीदवार थे विवेक धाकड़, वो कतई नहीं चाहते थे कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले, लेकिन धीरज गुर्जर वहाँ के विधायक है और उनके करीबी है, तो किस तरह उनसे वो नाराज़ होके चले गए। धीरज गुर्जर की भी उन्होंने नहीं मानी, धीरज गुर्जर उन्हें लेकर दिल्ली गए थे, आला कमान से मिलवा कर लाए थे, लेकिन
जब राजनीति का मैदान होता है तो कोई किसी का सगा नहीं होता, तो उन्होंने धीरज गुर्जर जो उनके खास थे उनका भी कहना नहीं माना, वो नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। उनका एक डर था कि मुझे हर नेता कहता है कि आपकी जाति के मतदाता यहाँ पर कम है इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं आखिरी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को वो सबक यहाँ पर सिखाने के लिए मैदान में डटे रहे, कितना वो असरदायक साबित होते हैं ये नतीजे बताएंगे। लेकिन एक झटका अगर कांग्रेस से कोई बगावत करके मैदान में उतरता है तो स्वाभाविक सी बात है भाजपा और उनके उम्मीदवार शक्ति सिंह हाड़ा इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मांडलगढ़ का मैदान जो है कह सकते हैं पूरी तरह से हो गया, नाम वापसी का आखिरी दिन था। कौन कौन उम्मीदवार मैदान में ये अब तस्वीर साफ हो चुकी है, सभी को यहाँ पर सिंबल बांट दिए गए हैं। मात्र यानी महज 13 दिन उन्हें प्रचार का वक्त, इन्होंने मन बना लिया है कि नहीं बैठने वाले, बगावत यहाँ पर करके रहेंगे और उस सुर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा जरा बताइए कि अब ये वोट जो है वो किसके काटने वाले हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के, या फिर किसको फायदा पहुंचाएंगे? जी देखिए, वो कांग्रेस से बगावत करके लड़े हैं तो कांग्रेस में उनके कई समर्थक रहे हैं, नेता रहे हैं, किस तरह उनकी मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है बगावत कांग्रेस से हुई है तो उन्हीं के विकेट यहाँ पर ज़्यादा गिरने की संभावना एक सियासी नज़रिए से देखी जाए। लेकिन जातिगत समीकरण की वहाँ पर बात की जाए तो अमूमन हम जब वहाँ गए थे सब तमाम जानकार है जो मांडलगढ़ विधानसभा सीट और वहाँ के सियासी समीकरण जानते हैं कि भाजपा के भी परंपरागत वोट जो है अपने पाले में ले सकते हैं, तो अभी तक कह सकते हैं दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो समीकरण अब बनते हुए नजर आ रहे हैं यानी कि वोट यहाँ पर कांग्रेस के कटने वाले हैं, लेकिन अंदर खाने ये भी न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है या फिर ये कहे कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है विवेक धाकड़ वो ही उन्हें बैठी नहीं दे रहे। बिल्कुल, विवेक धाकड़ कतई नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने लेवल पर ज़्यादा मान मनोहल जो है गोपाल मालवीय की नहीं की, क्योंकि दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं विवेक धाकड़ और खनन कारोबारी है, अच्छे पैसे वाले हैं, क्योंकि आज नाम वापसी का समय दोपहर 3 बजे तक था तो ये तो तय है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव में साम दाम धनभेद सब चलते हैं, तो जब आप सोच सकते हैं कि उम्मीदवार ने सीरियस नहीं लिया क्योंकि पैसे से या किसी और प्रलोभन से जाहिर सी बात है उम्मीदवार अपना नाम वापस लेते हैं, तो जब प्रत्याशी खुद दिल से नहीं चाह रहे थे कि वो बैठे तो कहीं ना कहीं इसमें इस बात में दम है। जानकार जैसा जता रहे हैं, सूत्र जैसा बता रहे हैं कि गोपाल मालवीय दोनों ही दलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस में है ये तय है। हालांकि वोट कटाऊ जरूर साबित यहाँ पर गोपाल मालवीय हो सकते हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में फिलहाल वो कहीं नजर में नहीं आ रहा। और यहाँ यानी कि जाम कह रहे थे कि 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 2 लोकसभा है, 1 विधानसभा है, तो विधानसभा ये सीट भी कहीं कम नजर नहीं आ रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि कितना रोमांचक ये मुकाबला है, सेमीफाइनल। अब जाहिर सी बात है कि फाइनल मुकाबला भी बेहद रोमांचक रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ ही आज की खबर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट।